सो हेलो एवरीवन, अब हम देखने जा रहे हैं प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में। तो इन जनरल टर्म विच इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ फिटिंग फिक्स्चर एंड अदर सुटेबल मटेरियल्स यूज इन बिल्डिंग फॉर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इट्स डिस्पोजल फॉर द इट्स डिस्पोजल इन द फॉर्म ऑफ यूज वाटर इज कॉल्ड प्लम्बिंग। देयर इज टू टाइप ऑफ सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम और इनडायरेक्ट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज प्लम्बिंग। प्लम्बिंग क्या है पहले ये जान लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इट इज अ सिस्टम फॉर कंसोलिडेट विच कैन कन्वे फ्लूड वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इट हैज अ नेटवर्क ऑफ पाइप विच कैरीज वाटर। तो प्लम्बिंग क्या है, जो हमारे फ्लूड को कन्वे कर रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर एक नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है, पाइप्स का नेटवर्क है। पाइप्स के साथ हम इसमें कई और फिटिंग एक्सेसरीज को यूज करेंगे, जैसे कि एल्बो टी। तो इन सब चीजों से मिलके ये पाइप का नेटवर्क क्या होगा, तैयार होगा। दैट इज कॉल्ड अवर प्लम्बिंग। ये हमारी क्या कहलाती है, प्लम्बिंग कहलाती है। प्लम्बिंग इज अ सिस्टम ऑफ पाइप ड्रेन्स फिटिंग वॉल्स एंड डिवाइस इंस्टॉल इन द बिल्डिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर फॉर ड्रिंकिंग, हीटिंग एंड वॉशिंग एंड रिमूवल ऑफ वॉटर बॉन्स वेस्ट एंड द स्किल ट्रेड वर्किंग विथ पाइप्स ट्यूबिंग एंड प्लम्बिंग फिक्स्चर इन सच ए सिस्टम। तो ये पाइप का नेटवर्क आपका जो तैयार होगा वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है और वेस्ट वाटर के लिए भी है ना, उसको भी आपको रिमूवल करना है, जो वेस्ट वॉन वेस्टेज है उसको भी आप इससे हटा सकते हैं इस तरीके से। अब प्लम्बिंग इज ऑफ्टेन डोनेट द सप्लाई एंड वाटर सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल बिल्डिंग डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम दैट सर्व एज ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा वेस्ट के लिए आपने एक नेटवर्क तैयार करा है, जो सारे घरों से अलग अलग पाइप से कनेक्ट हो रहा है, और कहीं पे आपने इंस्पेक्शन चैम्बर, जिसे हम आईसी से डिनोट करते हैं, आगे ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके थ्रू मैन होल की जो सप्लाई है उससे आपने एक नेटवर्क क्या कर दिया, तैयार कर दिया। अब कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली ये जो नेटवर्क हम बनाते हैं ये वन पाइप सिस्टम और टू पाइप सिस्टम हो सकते हैं। जैसे क्या करो आप, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दोनों के लिए आप एक ही पाइप ले लो, ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है बट मोर ड्यूरेबल नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और जनरली हम वाटर क्लोसेट के लिए इंडिविजुअल पाइप दे देते हैं, बाकी रेन वाटर और के लिए या फिर जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसके लिए हम एक दूसरा पाइप दे देते हैं, तो ये टू पाइप सिस्टम कहलाता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट में पाइप जो है, एक तो पाइप के मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप घरों के बाहर जनरली पीवीसी पाइप या फिर जीआई ग्लेवनाइज्ड आयरन पाइप या फिर ब्रास या फिर आप कास्ट आयरन पाइप, सीमेंट पाइप, कॉपर पाइप, फ्लेक्स पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप, इस तरीके के पाइप आप देखते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, एचडीपी, पीवीसी, ब्रास, जीआई, कास्ट आयरन, सीमेंट, ये सारे मटेरियल्स के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पाइप्स को जोड़ने वाले फिटिंग्स की बात करें, जैसे कि कपलिंग, रिड्यूसर, वॉल्व, एल्बो, यूनियन, टी, क्रॉस, कैप, तो ऐसे करके कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से ये नेटवर्क जो हम पाइपिंग सिस्टम का तैयार कर पाते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम का नेटवर्क क्या होते हैं, तैयार कर पाते हैं। तो चलिए आप पाइप्स फिटिंग की हम बात कर लेते हैं। तो फिटिंग क्या है, फिटिंग इज अ यूज इन प्लम्बिंग सिस्टम टू कनेक्ट स्ट्रेट पाइप और ट्यूबिंग सेक्शन टू एडॉप्ट टू डिफरेंट साइज, शेप एंड फॉर अदर पर्पस सच एज रेगुलेटिंग एंड मेजरिंग फ्लूड फ्लो। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, फिटिंग्स को यूज करते हैं। कई बार आपको डायरेक्शन चेंज करना है, नेटवर्क की पोजीशन चेंज करनी है, साइजेस में कोई डिफरेंस है, आपको बड़े साइज के पाइप्स को रिड्यूसर लगा के छोटे पाइप में कन्वर्ट करना है, बैंड लगाना है, एल्बो लगाना है,
45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये इस तरीके की हम क्या करने वाले हैं, फिटिंग एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पाइप है जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 20 फीट है और हमें 40 फीट की लाइन डालनी है, दो पाइप को आपस में कनेक्ट करना है, तो टू पाइप्स को जब हमें आपस में कनेक्ट करना है तो हम उसके लिए कपलिंग को यूज कर लेंगे। कुछ सॉल्वेंट आते हैं केमिकल जिसकी मदद से ये कपलिंग को दो पाइप के बीच में, आपका एक पाइप कहीं से फूट गया है या ब्रेकेज हो गया है और उसको आपको रिपेयर करना है, तो इस तरीके की कपलिंग को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें कहीं पे चेंज इन डायरेक्शन करना है, चेंज ऑफ डायरेक्शन करना है, चाहे वो 90 डिग्री करनी हो या फिर 45 डिग्री करनी हो, तो हम एल्बो को यूज करते हैं। इस चीज के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, एल्बो को यूज करते हैं। तो एल्बो भी आपकी हो सकती है कि एक साइज, एक तरफ का साइज उसका डिफरेंट हो, दूसरी तरफ का डिफरेंट हो, मतलब साइज में भी डिफर कर सकता है, और हो सकता है दोनों साइज सेम हो, पाइप का साइज सेम हो, बट उसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी, इस चीज के लिए भी आप एल्बो को यूज कर सकते हैं। एल्बो में भी अगर हम टाइप की बात करें तो लॉन्ग रेडियस, इसे हम एल आर एल्बो कहते हैं, शॉर्ट रेडियस एस आर एल्बो, 90 डिग्री एल्बो, और दूसरी होती है आपकी 45 डिग्री एल्बो। इस तरीके की एल्बो आपको मार्केट में जनरली देखने को मिलती है। यूनियन फॉर एग्जाम्पल, आपको कई बार पाइप का नेटवर्क चेंज करना है या फिर आपका सिमिलर टू कपलिंग ही होगा, बट इसमें क्या होगा कि आपका थ्रेड बनी हुई होंगी, चूड़ी बनी होंगी, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। कई बार आपको मेंटेनेंस पर्पस के लिए क्या करना होता है कि इस कनेक्शन को खोलना है। अब मान लो आपने यूनियन लगाया, यूनियन नहीं लगाया, यूनियन की जगह आपने क्या लगाया है, कनेक्टर वहां पे आपने फिट करा है या आपका जो है कपलिंग आपने वहां पे लगाई है, तो इस चीज से कपलिंग आपका जो दोनों पाइप है वो बने रहेंगे, आप उसको काट के निकालेंगे तो वो बाद में हो सकता है कि यूज में ना आए, लेकिन यूनियन में क्या, आपने उसको वहां से खोल लिया, थ्रेड बनी हुई थी। इस तरीके से आप यूनियन का ये यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो थ्रेड बनी हुई है, अब आप उसको इजिली क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और फिर बाद में आपको सेम पाइप को आपस में कनेक्ट करना है तो इससे क्या कर लेंगे, आप वापस से उसे टाइटली फिक्स कर देंगे, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए यूज हो जाएगी। जस्ट लुक लाइक अ नट, जैसे आपका नट बोल्ट का करेक्शन करना है, इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन आपका एक फिक्सचर फिटिंग के वर्क में आ जाएगा। टी, अब मान लीजिए आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी है और नंबर ऑफ कनेक्शन भी इंक्रीज करने हैं, तो ऐसी जगह पे हम सॉकेट के टर्म में, या अवेलेबल विद द फीमेल थ्रेड सॉकेट, ऑल सॉल्वेंट बेल्ड सॉकेट और विद द सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम टी को, जिससे जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना और एक आपको 45 डिग्री के डायरेक्शन में जाना, एक 180, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री डायरेक्शन में जाना, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, वहां पे टी को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें स्ट्रेट चैनल जो है वो भी बना हुआ है, और आपको अगर बीच में से कहीं से एक लाइन और पास करनी थी तो टी को आप यूज कर पा रहे हैं। क्रॉस, अब जनरली अगर आप मिड पॉइंट पे और आपको चारों तरफ करेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस तरीके से हम क्रॉस को यूज कर लेंगे। ये क्या काम करेगा, चारों तरफ आपको जैसे टी से एक ही डायरेक्शन मिल पा रही थी, इससे अपोजिट भी मिल जाएगी, तो इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर वे फिटिंग, इसको हम फोर वे फिटिंग भी कहते हैं। इफ अ ब्रांच लाइन पासेज कंपैरेटिवली थ्रू अ टी, द फिटिंग बिकम अ क्रॉस। तो अगर आपको इस तरीके से क्रॉस लाइन को डेवलप करना है तो हम उसके लिए किसको यूज कर लेंगे, क्रॉस को यूज कर लेंगे। इट हैज वन इनलेट और थ्री आउटलेट, वैसे वैसा, तो एक तरफ से सप्लाई आ रही है और बाकी तीनों तरफ सप्लाई क्या हो रही है, जा रही है आपकी। ठीक है, तो कॉमन इन द फायर स्प्रिंगलर सिस्टम, तो जैसे अगर आपने कहीं पे फायर स्प्रिंगलर सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है तो वहां तो आपको एक तरफ से लाइन आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन में आपने चारों तरफ पाइप फिटिंग का नेटवर्क क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो क्रॉस आपको उस समय क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब यहाँ पे प्लम्बिंग सिस्टम में हम छोटा सा पार्ट देख लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू डिलीवर वाटर टू कंज्यूमर विथ एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड प्रेशर एंड क्वांटिटी। अब देखो, कंज्यूमर को पानी चाहिए तो एक तो क्वालिटी, यानी कि आप
को उसका पीएच लेवल एसिडिक ना हो, एल्कलिक ना हो, नॉर्मल वाटर हो, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता हो, है ना। दूसरा, पर डे 135 लीटर पर पर्सन अगर रिक्वायर्ड है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, उतना पानी उस क्वांटिटी में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तीसरी चीज, प्रेशर। भाई अगर क्वांटिटी को मेंटेन करना है और ओवरहेड टैंक कहीं पे बना हुआ है और आपके घर के ऊपर आपने पानी की टंकी लगा रखी है और आपके पास जो प्रेशर से पानी नहीं आ रहा, ऊपर टंकी में नहीं चढ़ पा रहा है, तो फिर आपका प्रेशर वहां पे कम है, तो उस चीज को हम देखते हुए वहां पे राइज एंड फॉल को मेंटेन करते हुए, वहां पे हम ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए क्या करेंगे, इस चीज को प्रोवाइड कराएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब कनेक्टिवली फैसिलिटी यूज टू सप्लाई ऑफ वाटर इट सोर्स पॉइंट ऑफ यूजेस। तो जैसे मान लीजिए कि हम अंडरग्राउंड वाटर से सप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से सप्लाई कर रहे हैं, ओवरहेड टैंक है हमारे पास कोई 2 लाख किलो आपकी कैपेसिटी का, जिससे आपकी पानी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी जिसके जिससे हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरीके से बनेगा। तो आपने प्रेशर के लिए ग्रेविटी सिस्टम या पंपिंग सिस्टम या फिर आपका कंबाइन ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम इस तरीके से हमने यूज करा है। तो ये जो पूरा आपका वाटर सप्लाई के लिए हो चाहे वेस्ट वाटर के लिए हो, ये जो पूरा आप नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर प्लम्बिंग सिस्टम। वो आपका क्या कहलाएगा, प्लम्बिंग सिस्टम कहलाएगा। और ये बहुत जरूरी होता है, ये आपकी जो बिल्डिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ड्रेनेज के लिए हो, चाहे वो आपके वाटर सप्लाई के लिए हो, चाहे वो आपके रेन वाटर पाइप के किसी भी चीज के लिए हो, ये प्लम्बिंग सर्विसेज आपको, या ये प्लम्बिंग सिस्टम जो हम तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप, चाहे वो किसी भी मटेरियल का हो, और फिटिंग की जो एक्सेसरीज हैं, जो कंपोनेंट हैं, इसकी मदद से ही क्या होगा, तैयार होगा। सो थैंक यू सो मच।